आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बुलंदशहर के मोहल्ला ऊपर कोट में पानी की निकासी नहीं होने के चलते अधिक बारिश के कारण हुए जल भराव से मकान हुआ जमीन दोस्त। मोहल्ले वासियों की माने तो अभी तक 2 से 3 मकान गिर गए हैं। कई बार प्रशासन के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी पानी की निकासी का नहीं हुआ है समाधान। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुल बनने के चलते पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लगातार मकानों को गिरना जारी है। बुलंदशहर के कोतवाली नगर के मोहल्ला ऊपर कोट का मामला। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अली हसन है। कौन सा मोहल्ला है ये? सरायदारी मोहल्ला। क्या हुआ, आपका मकान कैसे गिरा है? ये मकान गिरा है पुल बनने की वजह से। पुल बना है लेकिन पानी का निकासी इन्होंने करा नहीं और 6 महीने से जो है ना पानी मर रहा घरों के अंदर और कोई सुनवाई नहीं किसी तरीके की। हर कोई आदमी जो है एक दूसरे पर टालने पर लगा हुआ है जी। अब ये मकान जो है गिर चुका है, पहले आगे वाला गिरा और फिर उसके बाद हमारा गिरा। अब ये सारी लाइन जो है ना गिरने की उस पर है सब। ये क्या आश्वासन मिला अधिकारियों की? अभी तो हमें तो कोई आश्वासन मिला नहीं है जी। क्या चाहते हैं आप? ये हमारा ये हो, हमें जो भी इसका मुआवजा है वो होना चाहिए। हम कहाँ जाएं बच्चों को लेकर, सब रात भर जो बाहर काटिए उन लोगों ने। किसी के चोट तो नहीं आई है? नहीं, चोट तो किसी के नहीं आई है, बस निकल के ही जो है हम इसमें जो है निकले थे और ये गिरा। पानी इस कदर बह रहा था कि जैसे पूरा जो है इसमें ही छोड़ा गया घरों में ही, और पानी का कोई रुकाव नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। मेरा नाम अली हसन है। कौन सा मोहल्ला है ये? सरायदारी मोहल्ला। क्या हुआ, आपका मकान कैसे गिरा है? ये मकान गिरा है पुल बनने की वजह से। पुल बना है लेकिन पानी का निकासी इन्होंने करा नहीं और 6 महीने से जो है ना पानी मर रहा घरों के अंदर और कोई सुनवाई नहीं किसी तरीके की। हर कोई आदमी जो है एक दूसरे पर टालने पर लगा हुआ है जी। अब ये मकान जो है गिर चुका है, पहले आगे वाला गिरा और फिर उसके बाद हमारा गिरा। अब ये सारी लाइन जो है ना गिरने की उस पर है सब। ये क्या आश्वासन मिला अधिकारियों की? अभी तो हमें तो कोई आश्वासन मिला नहीं है जी। क्या चाहते हैं आप? ये हमारा ये हो, हमें जो भी इसका मुआवजा है वो होना चाहिए। हम कहाँ जाएं बच्चों को लेकर, सब रात भर जो बाहर काटिए उन लोगों ने। किसी के चोट तो नहीं आई है? नहीं, चोट तो किसी के नहीं आई है, बस निकल के ही जो है हम इसमें जो है निकले थे और ये गिरा। पानी इस कदर बह रहा था कि जैसे पूरा जो है इसमें ही छोड़ा गया घरों में ही, और पानी का कोई रुकाव नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। रिजवान जी, कौन सा मोहल्ला है ये? ऊपरकोट मोहल्ला सरायधारी है। क्या है पूरा मामला, मकान गिराए भी आपके यहाँ? ये असल में जिन लोगों ने पुल बनाया था उनसे शुरू में ही कहा था कि पहले यहाँ पानी का जो है निकास करो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। जो ठेकेदार था जो और लोग आए कहने लगे भाई हमारा जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट उसका ही है पुल का, उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है किसी का घर गिरे या नहीं। ठेकेदार को बुला लो, उसके मुंह पे कहने को तैयार हूँ। नगर पालिका में कितनी बार गए मेंबरों के पास, इसके पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आगे बस देख कर चले जाते हैं। अब देख के जाने का आज ये देख लो नतीजा, अब भी देख के ही जा रहे हैं, वो खुशकी ले रहे हैं गरीबों की, और कुछ नहीं है। अधिकारी लोग आए कुछ वो कुछ नहीं, आगे देख के चले जाते हैं बस। आपने भी देखा होगा, आप न्यूज बना भी रहे हो, लाइव आए हैं देख रहे हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। कल भी आए, आज भी आए, उससे पहले भी। हत्या के कोई झूठी तसल्ली देने को तैयार नहीं है कि हाँ जी ऐसा करवा देंगे हम, वैसा करवा देंगे, कुछ नहीं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि भाई ये पानी का सबसे पहले ये रोक करा जाए, वरना धीरे धीरे स्टेप बाई घर पीछे तक जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ से गिरना शुरू हुआ है पुल के बराबर से। आप वहाँ भी देख सकते हो, वो पहला दूसरा तीसरा ये चौथा आ गया, अब छठा सातवा आएगा, यानी कि जिसके एक दो की मौत होगी जब चलेंगे, क्योंकि प्रशासन ये जो भी हैं अधिकारी ये यही चाह रहे हैं कि कोई ना कोई मरे जब एक्शन लें, उससे पहले कुछ नहीं। सर, सरायधारी ऊपरकोट नगर पालिका क्षेत्र में एक सरायधारी पुल है जिसके ऊपर पानी भराव होने के कारण मकान गिर रहे हैं और दरार पड़ रही हैं, क्यों नहीं हो रहा समस्या का हल? देखिए, ऊपरकोट पे जो है जो सरायधारी का जो इलाका है वहाँ पर पुल क्षतिग्रस्त था, और उस पुल को जो है तो नगर पालिका क्षेत्र में, लेकिन उस पुल का निर्माण जो है PWD ने कराया है। नगर पालिका ने उनको धनराशि ट्रांसफ़र किया और PWD ने उसका निर्माण कराया है, क्योंकि इधर भी आप देख रहे तो 2-3 दिनों से लगातार अत्यधिक बरसात हो रही थी, और ये जो नाली की बात आप बता रहे, ये नाली जो है पुल से बहुत पीछे से ये डैमेज हुई थी, और इस नाली का पानी नीचे, क्योंकि वो सरा ऊपरकोट का इलाका है, वो पानी नीचे की ओर से रिसाव हुआ, और जिसकी वजह से पुराना मकान जो खाली ही था वो डैमेज हुआ है,
और ऐसी कोई बात नहीं, नाली का निर्माण वहाँ हो रहा है और जो प्रभावित परिवार उसको हम सुरक्षित रखें, कोई दिक्कत नहीं है। दरारें भी पड़ रही हैं सब कुछ मकानों में बारिश की वजह से, जाँच करा रहे हैं। PWD नगर पालिका संयुक्त रूप से जाँच कर रही है, उसकी जाँच करने के बाद जैसी स्थिति आएगी उसको कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। सर, ऊपरकोट के नगर पालिका क्षेत्र में एक पुल बना है जिसमें कहा जा रहा है कि निकासी पन जल निकासी के कोई स्रोत नहीं है, जिसकी वजह से मकान गिर रहे हैं। PWD द्वारा पूर्व में क्षतिग्रस्त सरायधारी पुल को केवल पुल का निर्माण किया गया, नाली का निर्माण और उसके जो क्षतिग्रस्त नाली हुई है वो नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका बुलंदशहर द्वारा पानी छोड़ने के लिए उसमें जगह पुल के ऊपर जगह बनाई हुई है, वहाँ तक पानी लाने का कार्य नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है। तो भविष्य में होगा सर ये काम? ये नगर पालिका को बता दिया गया है, रिटेनिंग वॉल बनाकर उनको हम लोग साइट पर गए थे, नगर पालिका को बता दिया है कि जहाँ पर नाली टूटी है वहाँ से नीचे से निकल वो रिटेनिंग वॉल बनाकर लाना होगा, उसके ऊपर नाली बनानी पड़ेगी, तभी ही सब चीज़ बचेंगी इसके अंदर। इसमें उनको सिटी मजिस्ट्रेट साहब को करा दिया गया है, नगर पालिका को करा दिया गया है, उन्होंने बताया है कि शीघ्र ही काम चालू करने वाले हैं नगर पालिका।